हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव, आज मैं आपको अपने वीडियो में डीआई के क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होंगे। ओके, तो ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जैसे सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक, ओके, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंडिकेट बैंक में ही लास्ट ईयर जो है 20 क्वेश्चन जो है वो डीआई से थे। ओके, और मतलब मीन्स 4 सेट ऑफ डीआई आए थे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी भी बैंक के एग्जाम में डीआई के क्वेश्चंस। तो ये जो मैं आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको परसेंटेज मेथड से बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इजीली आप जो है कि अगर आप, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसमें परसेंटेज के, ठीक है। तो इससे अगर आप इसको आप अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है, आपको मतलब जो भी बेसिक्स हैं, ठीक है, वो आपको इस डीआई क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप किसी मतलब टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आपके दोस्तों को जो भी मतलब जिन जिन फ्रेंड्स को आपके प्रॉब्लम होंगे उनको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारा ये डीआई है, ओके, तो इसमें कितने 5 सेट के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये बार ग्राफ है, ओके, और ये हमारा टेबल है। तो डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो ये बार ग्राफ और ये जो टेबल है उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, ओके, कम से कम इसमें 30 सेकंड्स दें और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो हम देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 डिफरेंट पीपल टू कंप्लीट अ वर्क ऑन देयर ओन इन अ डे इन डे टाइम, ओके। तो हमारे कौन कितने पर्सनस है, 7 पर्सनस है, राजीव, रमन, संजीव, साधिका, निकिता, भारती एंड अंकिता, ओके, ये 7 पर्सनस है जो एक किसी भी काम को जो है इतने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करते हैं। तो राजीव जो है किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, ओके, रमन 12 डेज में, संजीव 24 डेज में, साधिका 20 डेज में, निकिता 25 डेज में, भारती 30 डेज में और अंकिता जो है वो 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। अब टेबल देखते हैं कि टेबल में क्या दिया हुआ है। टेबल में दिया हुआ है ये 7 पर्सन जो हैं वो नंबर कितने नंबर ऑफ डेज काम करते हैं, ओके। तो राजीव जो है 1 दिन काम कर रहा है, रमन का मिसिंग डाटा है, रमन का आपको कैलकुलेट करना है, संजीव जो है 3 दिन काम कर रहा है, साधिका जो है 1 दिन काम कर रही है, निकिता जो है एक का मिसिंग डाटा है आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, भारती जो कि 3 दिन काम कर रही है और अंकिता का भी एक मिसिंग डाटा दिया हुआ है, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है, ओके। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करने का टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो इसमें आप अगर बेसिक से सॉल्व कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाए, ओके। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आना चाहिए, ओके, शॉर्ट ट्रिक्स से वो जो होते हैं वो सब आपको आना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं वही शॉर्ट ट्रिक्स से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मान लेते हैं कि 100% ऑफ वर्क है, ओके, 100% ऑफ मतलब किसी भी वर्क जो है अगर कंप्लीट होता है तो कितना 100% कंप्लीट होता है, ओके, तो मान लेते हैं 100% ऑफ वर्क होता है, ओके, तो राजीव जो है वो 8 डेज में 100% ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, ओके, राजीव जो है 8 डेज में 100% ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वो 1 दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, 12.5% ऑफ वर्क कंप्लीट करा, ये जस्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, ओके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन 100/8, ओके, इट विल बी 12.5, ओके, ये आपको परसेंटेज कन्वर्सन आना चाहिए, ओके, टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजिली, ओके। और रमन देखें तो 12 डेज में 100% ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वो 1 दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, 8.33% ऑफ वर्क, ओके। संजीव जो है वो 24 डेज में 100% ऑफ वर्क कर रहा है, तो वो 1 दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, 4.166, ओके। और साधिका जो है वो 1 दिन में कितना परसेंट 20 दिन में कंप्लीट कर रही है 100% ऑफ वर्क, तो 1 दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट करेगी, तो 5% ऑफ वर्क कंप्लीट करेगी। उसी तरह निकिता जो है 4% ऑफ वर्क कंप्लीट करेगी, और भारती जो है 3.3% ऑफ वर्क इन अ डे कंप्लीट करेगी, और अंकिता जो है 1 दिन में कितने परसेंटेज, 2.5% ऑफ वर्क कंप्लीट करेगी, ओके।
तो अब हमको पता चल गया एक दिन में कौन कितने कितने काम कर रहे हैं. ओके okay? अब उसी तरह दिया हुआ है कि राजीव जो है एक दिन में कितना एक दिन काम कर रहा है, तो राजीव एक दिन में अगर काम कर रहा है तो कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है, 12.5% ऑफ वर्क कर रहा है. रमन का हमको पता नहीं है. संजीव का जो दिया हुआ है कितना तीन दिन काम कर रहा है, तो संजीव का देखिए तो कितना एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है, 4.166. ओके तो वो तीन दिन काम कर रहा है तो इंटू थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.5 आ जाएगा. ओके मतलब तीन दिन में ये कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है, 12.5%. साधिका का अगर दिया जाए, साधिका का दिया गया है एक दिन काम करती है, तो साधिका एक दिन में 5% ऑफ वर्क काम कर रही है. ओके निकितिका नितिका का हमको पता नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसी तरह भारती जो है वो तीन दिन काम कर रही है, तो भारती जो है एक दिन में कितना परसेंट, 3.33 काम कर रही है, तो तीन दिन में कितना करेगी, 10% ऑफ वर्क काम करेगी. ओके तो अब अगर ये हमको पता चल गया तो ये सब समझने के बाद अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा. ओके तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो ये सब समझने के बाद अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे. ओके तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ राजीव संजीव साधिका एंड भारती ओके वर्कड एज पर द नंबर ऑफ डेज गिवन इन द टेबल ओके एंड द नंबर ऑफ डेज रमन वर्कड आर 40% लेस देन द नंबर ऑफ डेज. तो सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज इसको क्वेश्चन को बांटेंगे. ओके एक बार हम लोग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ले 40% लेस देन नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ डेज निकिता वर्कड एंड द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय साधिका बाय वर्किंग 3 days एक्स्ट्रा. देन वाट आर द टोटल नंबर ऑफ डेज निकिता एंड रमन वर्क. ओके टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू वेर एवर रिक्वायर्ड. ओके यू हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो. ओके तो हम लोग इसको पार्ट वाइज में बांट लेंगे. ओके तो सबसे पहले हमारा क्या है, राजीव संजीव साधिका एंड भारती. ओके तो हम लोग सबसे देखते हैं राजीव कितना परसेंटेज ऑफ वर्क काम कर रहा है. राजीव जो है हमारा 12.5% काम कर रहा है. ओके उसके बाद हमारा है संजीव. संजीव कितना परसेंटेज ऑफ काम कर रहा है, 12.5% कर रहा है. ओके 12.5% ऑफ वर्क कर रहा है. और उसके बाद है हमारा साधिका. साधिका कितना काम कर रही है, 5% ऑफ वर्क कर रही है. ओके 5% ओके प्लस हमारे भारती. भारती तीन दिन काम कर रही है, मतलब 10% ऑफ वर्क काम कर रही है. मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क देखें तो कितना कंप्लीट हो गया. ओके तो 12 + 12.5 + 12.5 = 25 + 5 = 30 + 10 = 40. ओके सो 40% ऑफ वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो गया. तो हमारा अब बचा है 60% ऑफ वर्क. ओके अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि साधिका जो है वर्किंग 3 days एक्स्ट्रा, तीन दिन एक्स्ट्रा काम कर रही है. ओके लास्ट में ओके रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय साधिका बाय वर्किंग 3 days एक्स्ट्रा. तो साधिका जो है वो तीन दिन एक्स्ट्रा काम कर रही है. मतलब तो अगर एक दिन में साधिका 5% काम कर रही है तो तीन दिन लास्ट में वो कितना परसेंटेज ऑफ काम कर रही है, प्लस 5 × 3 यानी 15 यानी 40 + 15. ओके तो कितना हो गया, 55 हो गया. ओके मतलब 55% ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हमारे पास 45% ऑफ वर्क जो है वो हमारा बचा हुआ है. ओके तो ठीक है तो 45% ऑफ वर्क अब कौन कंप्लीट कर रहा है, तो 45% ऑफ वर्क जो है हमारा कौन कंप्लीट कर रहा है, रमन कर रहा है और निकिता कर रही है. ओके तो लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि रमन जो है वो 40% लेस देन द नंबर ऑफ डेज निकिता, लेस देन द नंबर ऑफ डेज निकिता वर्कड. ओके तो अगर हम मान लें कि निकिता जो है एन नंबर ऑफ डेज काम कर रही है, और तब रमन कितना नंबर ऑफ डेज काम करेगा, 0.6 n. ओके तो निकिता एक दिन में कितना काम कर रही है, निकिता का देखें तो एक दिन में वो कितना काम करती है, निकिता 4% ऑफ वर्क कर रही है. ओके तो हम यहां से 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एन नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है, प्लस 0.6 ये किसका है, ये रमन का है. तो रमन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो रमन एक दिन में 8.33 काम कर रहा है. ओके तो इंटू 8.33 करेंगे हम यहाँ पे. ओके तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा. ओके ये 45 होगा क्योंकि टोटल ये जो दोनों मिलके है 45% ऑफ वर्क काम करेंगे तभी वर्क कंप्लीट हो रहा है. तब अब देखा जाए तो ये 4n है. ओके और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5n. ओके कैसे कीजिएगा तो 8.33 कितना हो जाता है, 100/12. ओके 100/12 × 0.6. ओके तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.1. ओके और ये 50. ओके तो 50 × 0.1 5. ओके तो ये हो जाएगा 4n + 5n. ओके इज इक्वल्स टू 9n. ओके 9n इज इक्वल्स टू 45. ओके तो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया हमारा 5. ओके
ठीक है, तो हमारे पांच आ गया एन का वैल्यू। तो निकिता जो है वो कितना दिन काम कर रही है, पांच दिन काम कर रही है, और रमन कितना दिन काम कर रहा है, निकिता हमारा, निकिता जो है वो पांच दिन काम करती है और रमन जो है हमारा 0.6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी तीन दिन काम कर रही है, कर रहा है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 8। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, हमारा आंसर आ गया 8। ओके, अब चलते देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग पहले, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद मतलब राजीव है 100/8 कितना हो जाएगा 12.5। ओके, ये हो जाएगा 8.33, ये हो जाएगा 4.6166, ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3.33 और ये हो जाएगा 2.5%। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते देखते हैं। राजीव एंड रमन, ओके, राजीव एंड रमन स्टार्टेड वर्क एंड आफ्टर टू डेज राजीव लेफ्ट द वर्क एंड द रमन अलोन वर्क फॉर अ डे एंड स्टॉप्ड वर्किंग। ओके, तो हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंटिन्यूड बाई भारती एंड साधिका एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days भारती लेफ्ट द वर्क एंड साधिका वर्क फॉर अनदर 2 days एंड स्टॉप्ड वर्किंग। इन हाउ मेनी डेज विल अंकिता कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजीव एंड रमन जो है वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, दो दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राजीव जो है वो काम छोड़ देता है और एक दिन जो है वो रमन काम करता है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि रमन भी एक दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है और उसके बाद जो काम बचा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, भारती एंड साधिका जो भारती एंड साधिका जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो तीन दोनों जो है तीन दिन मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद भारती काम छोड़ के चली गई, भारती जो है काम छोड़ चली गई, उसके बाद साधिका जो है फिर दो दिन तक काम की, एक्स्ट्रा दो दिन काम की, उसके बाद वो भी काम छोड़ के चले गए। तो अब जितना भी काम बचा हुआ है वो अंकिता कंप्लीट कर रही है फाइनली, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि अंकिता जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं राजीव, राजीव जो है एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है 12.5, ओके, और रमन जो है एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है 8.33, ओके। तो राजीव जो है कितना दिन काम कर रहा है, दो दिन काम कर रहा है, ओके, राजीव जो है दो दिन काम कर रहा है, तो 12.5 × 2, ओके, 12 × ये हो जाएगा 25, ओके, मतलब 25% ऑफ वर्क जो है कौन किया, राजीव कंप्लीट किया, ओके। उसके बाद जो रमन का देख रहे, ओके, रमन का देखे तो रमन जो है टोटल कितना दिन काम किया, रमन जो है दो दिन राजीव के साथ मिलकर काम किया और एक दिन जो है वो अकेला काम किया, ओके। तो 8.33 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 8.33 × 3 हो जाएगा, ये भी 25 हो गया, मतलब टोटल जो है दोनों मिलके जो है, मतलब टोटल जो है कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हो गया, 50% ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया टोटल, ओके, बचा मेरा 50% ऑफ वर्क, लेफ्ट कितना हुआ, लेफ्ट है मेरा 50% ऑफ वर्क, ओके। तो 50%, अब उसके बाद कौन आया काम करने, भारती एंड साधिका काम करने आई, ओके, तो भारती का एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रही है 3.33, ओके, तो और साधिका जो है एक दिन में 5% ऑफ वर्क कर रही है, तो भारती कितने दिन काम कर रही है, भारती जो है तीन दिन काम करती है, ठीक है, उसके बाद छोड़ के चली जाती है, तो मतलब भारती का देखा जाए तो भारती तो एक दिन में 3.33 काम कर रही है, ओके, और वो कितना दिन काम करती है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 10% ऑफ वर्क भारती कर रही है, ठीक है। उसके बाद साधिका का देखते हैं, साधिका का जो है, साधिका कितना दिन काम कर रही है, साधिका तीन दिन भारती के साथ मिलकर काम कर रही है और दो दिन वो अकेले काम कर रही है, ठीक है, तो टोटल 5 days काम कर रही है, तो मतलब 5 × 5 × 5, ओके, तो टोटल हो जाए 25% ऑफ वर्क, ओके। तो भारती और साधिका का देखे तो टोटल 35% ऑफ वर्क हो गया, मतलब 50% में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 15%। अब इतना काम बचा हुआ है, 15% ऑफ वर्क काम बचा हुआ है, और 15% ऑफ वर्क काम कौन कर रहा है, वो अंकिता कर रही है, ठीक है, तो अंकिता कर रही है, तो अंकिता का एक दिन का काम कितना है, अंकिता एक दिन में 2.5% ऑफ वर्क कर रही है, ठीक है, एक दिन में 2.5% ऑफ कर रही है, तो 15% ऑफ वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगी, डिवाइड 15 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे, ओके, × 100 × 10, ओके, सो 5, 2 और 5, 3, ओके, तो मतलब टोटल 6 days में अंकिता काम कर लेगी, ओके, समझ गए होंगे आप लोग, ओके,
तो आप देख रहे हैं कि ये अगर इसको आप फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से आप सॉल्व करने जाइएगा तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। और अगर परसेंटेज मेथड से आप देख रहे हैं कि कितना ईजिली विदाउट कैलकुलेशन जो है वो आप कर पा रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबका हम ये परसेंटेज में लिख लेते हैं, परसेंटेज वर्क लिख लेते हैं। तो ये कितना था, 12.5 था, ओके, ये था 8.33, ओके, ये था 4.166, ओके, ये 5, ये 4, ये 3.33 और ये 2.5, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। इफ़ द इफिशियंसी ऑफ राजीव डिक्रीजेज बाय 20% एंड द इफिशियंसी ऑफ संजीव इंक्रीजेज बाय 20%, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कम्प्लीट द वर्किंग टुगेदर, ओके। तो कह रहा है कि राजीव का एफिशिएंसी कितना है, राजीव का एफिशिएंसी है ये 12.5%, ओके, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12.5, तो वही इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, ओके। और संजीव का एफिशिएंसी, और राजीव का क्या कर रहा है, राजीव का एफिशिएंसी जो है 20% से घट रहा है, ओके, तो मतलब क्या हो गया, 100% था तो अब 80% के एफिशिएंसी से कर रहा है, ओके, पहले 100% एफिशिएंसी से कर रहा है, मतलब अगर वो एक मतलब 12.5% एक दिन में अगर काम कर रहा होगा तो उसका एफिशिएंसी अब घट जाएगा 20% से, ओके। और संजीव का एफिशिएंसी क्या है, संजीव ये कितना कर रहा है एक दिन में, कितना परसेंटेज ऑफ 4.166% ऑफ वर्क कर रहा है, ओके, और कह रहा है कि संजीव का एफिशिएंसी जो है 20% से वर्क इंक्रीज हो गया, ओके, तो वो एक दिन में अगर इतना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है तो अब जो है उसका एफिशिएंसी जो है मतलब अब वो 1.2 टाइम्स करेगा, ओके, 1.2 टाइम्स करेगा, ओके। तो क्या कर रहा है, क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले देखते हैं राजीव का कितना था, राजीव का 12.5 एफिशिएंसी था, ओके, 12.5 वन डे एफिशिएंसी कितना था, यह था, अब ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ओके, मतलब 0.8 टाइम्स से कर रहा है अब, ओके, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये अगर आप कैलकुलेट ये है तो 10 आ जाएगा, ओके। और दूसरा कह रहा है ये राजीव का, ओके, ये किसका है, राजीव का, और संजीव का देख रहे हैं, ठीक है, संजीव कह रहा है, संजीव का एफिशिएंसी क्या है, मतलब एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कर रहा है, 4.166, ओके। अब इसका कह रहा है कि मतलब 120% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 120% हो जाएगा, ओके, तो 1.2 टाइम्स से कर रहा है अब, तो 1.2 टाइम्स अगर कैलकुलेट कीजिएगा 4.166 का, तो ये हो जाएगा 5%, ओके। तो अब दोनों जो है मतलब क्या हो रहा है, दोनों जो है मिलकर अब क्या कर रहा है, 15% ऑफ वर्क एक दिन में कर रहा है, ओके, एक दिन में कितना कर रहा है, 15% ऑफ वर्क। और टोटल वर्क कितना था हमारा, टोटल वर्क है 100, ओके, तो 100 से टोटल वर्क है 100% ऑफ वर्क, और उसको 15% ऑफ वर्क इन अ डे कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज हमारा पता चल जाएगा, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज हमारा कितना आ गया, 100 बाय 15, मतलब 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 3, ओके, तो 6 2/3, ओके, 6 2/3 डेज में कंप्लीट करें, ओके। तो अगर तो आप देख ही रहे परसेंटेज मेथड से इसको कितना इजी सॉल्व किया जा रहा है, ओके। अगर इसका सॉल्व करने का एक और अलग तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो देखिए कि राजीव और किसका बात कर रहे हैं, संजीव का बात कर रहे हैं, ओके। तो राजीव जो है 8 किसी काम को 8 दिन में काम कर रहा है, ओके, और संजीव जो है किसी काम को 24 डेज में काम कर रहा है, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं कि 24 यूनिट ऑफ वर्क है, ओके, 24 यूनिट ऑफ वर्क है, ओके, 24 यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। तो राजीव जो है वो 24 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा, 3 डेज लगाएगा, ओके, राजीव, ये राजीव का है, ओके। और संजीव जो है वो मतलब एक यूनिट ऑफ वर्क करने में कितना दिन लगा, मतलब 24 यूनिट ऑफ वर्क करने में कितना दिन लगाएगा, एक दिन लगाएगा, क्योंकि एक दिन में वो मतलब 24 डेज में एक यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि टोटल जो है, अब कह रहा है कि राजीव का जो एफिशिएंसी है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो 20% यानी 3 × 0.8, ओके, तो मीन्स कितना हो गया, 2.4, ओके। और संजीव का जो एफिशिएंसी है वो कितना से 20% से बढ़ रहा है, मतलब 1.2 टाइम्स, ओके, तो कितना हो जाएगा, 1.2, तो टोटल कितना, दोनों मिलकर टोटल कितना यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं, 3.6 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, टोटल दोनों मिलकर 3.6 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। और टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था हमारा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क था 24, ओके, और 24 और एक यूनिट ऑफ वर्क, एक यूनिट ऑफ वर्क करने में कितना दिन लग रहा है, 3.6, ओके, तो 3.6 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो आपको आ जाएगा कितना, 6 2/3 डेज, ओके, 6 2/3 डेज। लेकिन ये जो मेथड है कहीं कहीं पे ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ओके, तो इसलिए परसेंटेज मेथड्स आप जो है एक ही मेथड अपनाइए हर जगह, और वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड जो है बहुत ही इजी और बहुत ही आपको इज
सरल तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निकिता एंड साधिका ओके स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 8 डेज. ओके ठीक है और एंड स्टॉप वर्किंग निकिता मतलब एंड अ पर्सन हैविंग 50% मोर इफिशियंसी देन निकिता स्टार्टेड एंड रिमेनिंग वर्क एंड वर्क फॉर 2 डेज एंड स्टॉप्ड वर्किंग. ठीक है इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय विनय इन 1 डे देन व्हाट इज द परसेंटेज विनय इज मोर इफिशियंट देन राजीव. ओके तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसका सब कुछ लिख लेते हैं. ओके ये सब लिखने के बाद हमारा बहुत ही ईजी हो जाता है. 12.5 ओके 8.33 ये कितना था 4.166 ओके ये कितना था 5 ये 4 ये 3.33 और ये कितना था 2.5 ओके ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है. क्वेश्चंस पार्ट वाइज में हमको डिवाइड कर लेना है पार्ट वाइज में. ठीक है तो निकिता एंड साधिका सबसे पहले हमारा निकिता और साधिका दी हुई है. निकिता एंड साधिका कोई काम को स्टार्ट कर रही है. ठीक है तो दोनों मिलके जो है कितना दिन वर्क फॉर 8 डेज 8 दिन दोनों मिलकर काम करिए. ठीक है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं निकिता एंड साधिका. निकिता का कितना है 4% ऑफ यूनिट वर्क काम करती है. ठीक है एक दिन में और साधिका जो है 5% ऑफ वर्क यूनिट काम करती है. तो टोटल जो है निकिता प्लस साधिका जो है 9 यूनिट ऑफ वर्क जो है एक दिन में काम करती है. ठीक है 9% ऑफ वर्क. ठीक है तो अब दोनों मिलके जो है 8 दिन तक काम कर रही है तो मतलब 72% ऑफ वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है तो बचा कितना 28% ऑफ वर्क हमारा बचा हुआ है लेफ्ट. ठीक है 28% ऑफ वर्क हमारा बचा हुआ है. अब देखते हैं कि पर्सन हैविंग अब कोई पर्सन है. ठीक है थर्ड पर्सन मतलब सातों के अलावा कोई एक पर्सन अलग से आया जो कि जिसका एफिशिएंसी कितना है 50% मोर देन निकिता. निकिता की इफिशियंसी कितना है 4%. ओके तो 4% है और 50% वो मोर इफिशियंसी मतलब 1.5 मतलब 6% ऑफ वर्क वो काम करता है. ठीक है 6% ऑफ वर्क एक दिन में काम करता है और वो कितने दिन तक काम कर रहा है 2 दिन तक काम कर रहा है. ठीक है 2 दिन तक काम कर रहा है मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा. ठीक है तो मतलब कितना हो गया 12% ऑफ वर्क काम हो गया. ठीक है तो थर्ड पर्सन है जो पर्सन है उसने 12% ऑफ वर्क काम कर लिया मतलब 28 में से 12% जो है उस आदमी ने काम कर लिया था. मतलब कितना परसेंटेज ऑफ वर्क बचा 16% ऑफ वर्क अब हमारा बचा हुआ. ठीक है अब ये 16% ऑफ वर्क जो है हमारा कौन कर रहा है विनय कर रहा है. कितने दिन में कर रहा है एक दिन में काम कर रहा है तो मतलब वो विनय जो है विनय का एक दिन का काम क्या हो गया 16% यानी विनय का एफिशिएंसी क्या हो गया 16%. ठीक है अब कंपेयर क्या करना है विनय का एफिशिएंसी जो है हमको राजीव की एफिशिएंसी से कंपेयर करना है. ठीक है राजीव का एफिशिएंसी कितना है 12.5 ओके ये 2 है ओके तो राजीव का एफिशिएंसी है 12.5 और विनय का एफिशिएंसी है 16% तो मतलब विनय इज मोर इफिशियंट देन राजीव. तो हम लोग देखते हैं तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होते हैं 16 माइनस 12.5 अपॉन 12.5 ओके इंटू 100% क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. तो 16 माइनस 12.5 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है दोस्तों तो अब हम देखते हैं कि कितना आंसर आएगा. आपको कैलकुलेट कीजिए कितना है दोस्तों कैलकुलेट कीजिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेशन आपका हमेशा फास्ट होना चाहिए. ठीक है तो आंसर आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 28% ओके ठीक है. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप देखते हैं. सबसे पहले एक तो काम करते हैं कि हम लोग इसका परसेंटेज लिख लेते हैं. ठीक है परसेंटेज लिख लेते हैं क्या होगा ये 12.5 ठीक है ये 8.33 ये कितना था 4.166 ठीक है ये कितना था 5% ये कितना था 4% ठीक है ये कितना था 3.33 और ये कितना था 2.5% ठीक है. अब क्वेश्चंस पढ़ते ठीक है एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना जरूरी है. ठीक है उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है. ठीक है अमित इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज अंकिता एंड नेहा इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज साधिका ओके हाउएवर अमित एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर एंड दे वेस्ट मच मोर टाइम इन टॉकिंग सो देयर टुगेदर इफिशियंसी बिकम 2/3 ऑफ देयर टोटल इफिशियंसी इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड नेहा स्टॉप्ड वर्किंग इन हाउ मेनी डेज विल अमित कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ओके. तो जब मतलब एक चीज आप जो देखिएगा क्वेश्चंस आप जब भी पढ़िएगा तो मतलब हर लाइन को अंडरस्टैंड करते हुए जाइए. ठीक है ऐसा नहीं कि आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस पढ़ लिया फिर आपको
शुरू से पढ़ना पड़े, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब आप धीरे धीरे ही पढ़ें, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करें, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमित जो है अंकिता से ट्वाइस एफिशिएंट है, ठीक है। अंकिता की एफिशिएंसी कितनी है? अंकिता की एफिशिएंसी है 2.5%, ओके। तो अमित जो है की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5%, ठीक है। और नेहा इज 5 times मोर इफिशियंट देन साधिका। साधिका की एफिशिएंसी कितना है? 4.166, ठीक है। तो नेहा की जो एफिशिएंसी होगी वो कितना हो जाएगी? 4.166 इंटू 5, ओके। तो कितना हो जाएगा? 5 4 20 5 1 मतलब हो जाएगा 20, ठीक है। सॉरी गलती हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे किससे किसका कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या कह रहा है? नेहा इज 5 times एज एफिशिएंट एज साधिका का, ठीक है। मैंने संजीव का ले लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25%, ओके। तो अमित की एफिशिएंसी है 5%, ठीक है, और नेहा की एफिशिएंसी है 25%, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 30%, ओके। दोनों की एफिशिएंसी है 30%, लेकिन दोनों जो है क्या कर रहे हैं? हमें दे वेस्ट देयर टाइम इन टॉकिंग, ओके। और इसलिए इन दोनों की एफिशिएंसी जो है रिड्यूस्ड हो जा रही है, कितने टाइम से? 2/3, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3 times हो जा रही है, ओके। तो अब इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 20%, ठीक है। इफेक्टिव एफिशिएंसी अब इन दोनों की है 20%, और दोनों जो है मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 4 दिन जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो 4 दिन में ये कितने काम कंप्लीट कर देंगे? 4 दिन में ये लोग 80% ऑफ वर्क काम कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, नेहा जो है वो काम छोड़ के चली जा रही है, नेहा काम छोड़ के चली जा रही है। तो अब अमित को अकेले वो 20% मतलब 20% ऑफ वर्क जो लेफ्ट बची हुई है वो कौन फिनिश कर रहा है? अमित कर रहा है, ठीक है। तो अमित कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है? 20% ऑफ अमित फिनिश कर रहा है, और अमित की इफिशेंसी कितना है? मतलब एक दिन में कितने काम करता है वो? 5% काम कर रहा है, ठीक है। तो 20% काम करने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि परसेंटेज मेथड कितना ही इफिशियंट है, ओके। मतलब कितने इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरा, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों, ठीक है। शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्तों को अगर प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। बाय, हैव अ नाइस।